आज बहुत थक गया है मेरा भाई। क्यूट देख लो कितना ये क्यूटनेस देख सकते हो आप इसकी। देखो स्माइल कर दिखाओ उधर वाली गाइस। 10 मिनट हो चुके हैं और हम लोग अभी तक यही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ऑलराइट गाइस, ऑल सेट फॉर शूट। सो अभी ये है आउटफिट हमारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो सेकंड डे मुंबई के अंदर हमारा। सो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे शूट के लिए अमेज़न के लिए, जैसे कि मैं कल भी गया था, परसों गया था मैं शूट के लिए। सो अभी मेरा वापस अमेज़न का शूट है और ये वाला ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरा सिर्फ बैंड्रा के अंदर ही है। तो अभी बैंड्रा चलते हैं, जल्दी देखते हैं। गाइस यहाँ देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। सो चलना भी बहुत मतलब संभल संभल के पड़ता है हम लोग को। कहाँ से जाए कैसे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, भाई ने गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी कितनी अच्छी देखी है। मैं गिल्ला ना हो जाऊँ, पता नहीं कहाँ कीचड़ में गाड़ी खड़ी है। सो अभी चलते हैं, देखते हैं गिल्ले ना हो जाए बिल्कुल भी। मुंबई के अंदर बारिश किसी भी टाइम हो जाती है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ही है, देख सकते हैं आप। सो अभी आज हमें जाना है बैंड्रा। ऑलराइट गाइस, सो मेरी मैनेजर ने मुझे बुलाया था, उसने बोला था मुझे 7 बजे तक पहुँच जाना और अभी टाइम हो रहा है लाइक अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, 7:04 से रह रहे हैं 7 बजने में, तो 7 बजने वाले हैं। तो अभी बैंड्रा जाने में हमें कितना टाइम लगेगा भाई? 1 घंटा पकड़ लो। 1 घंटा पकड़ लो मतलब 8 बजे हम पहुँचेंगे वहाँ पे और 10 बजे हमारा शूट है अमेज़न के लिए। सो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है क्या मुंबई में? इतना ट्रैफिक क्यों रहता है यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मतलब मैं तो पिक टाइम है ना, पिक टाइम है अभी। कितने किलोमीटर्स कितने रहेंगे बैंड्रा के लिए? 10 किलोमीटर रहेंगे, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा है ना। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है बैंड्रा के अंदर, तो अभी हम निकल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देख लो ये है मुंबई का ट्रैफिक, फुल ट्रैफिक लगा हुआ है, जगह जगह जाम लगा पड़ा है। सो बार बार ट्रैफिक ही आ जाता है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना है ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम। उनने मुझे जल्दी इसलिए बुलाया था ताकि कोस कैजुअल ड्रेसेस है वहाँ पे, मुझे जाके ट्राई करने थे और जो भी साइजेस वगैरह था वो भी चेक करना होगा। लेकिन अब मैं सीधा पहुंचूंगा, सीधा शूट करूंगा, साइजेस वगैरह देख नहीं पाऊंगा लगता है मुझे। कोस 1 घंटा में जाने जाने में लग जाएगा। ठीक है गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं और हम लोग अभी तक यहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सो गाइस अब जाके ट्रैफिक से निकले हैं। सो अभी जल्दी से एक और ट्रैफिक मेरे को आगे दिख रहा है, एक और लाल बत्ती मुझे दिख रही है। तो गाइस ये ट्रैफिक देखो कहाँ रुके हम, अभी कुछ खाने पीने का ब्रेक तो हम ले ही नहीं पाएंगे, ये सिग्नल ने परेशान कर दिया मुझे, सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान। सो गाइस ये है मेरा छोटा भाई हुसैन अली। हुसैन अली मेरे साथ फर्स्ट टाइम भाई निकला है तू कहीं पे, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक से क्या हुआ है तेरे साथ में? वैसे इसको अच्छा लग रहा है लेकिन ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है ये, और बहुत पक्की है ट्रैफिक से, वापस ट्रैफिक लग गया। हुसैन अली क्या करना है बताओ? फिर से ट्रैफिक लग चुका है ये लाल बत्ती। सो गाइस ट्रैफिक खुल चुका है, हुसैन अली के फेस पे स्माइल आ चुकी है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं आगे, जो भी कुछ खाने को मिलता है तो कुछ खाते हैं। ओके सो गाइस ये अमिताभ बच्चन जी का बंगला है, देख लीजिए आप सब लोग, अमिताभ बच्चन जी का बंगला देख लो अच्छे से गौर से। बाकी सब ठीक है, थोड़ी सी जगह है, मतलब किलोमीटर सिर्फ 7 है और पहुँचने में लगता है 1 घंटा। यही यहाँ के ट्रैफिक की खास बात है कि 7 किलोमीटर जाने में हमें 1 घंटा लग रहा है यार, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग यहाँ पे बैंड्रा पहुँच चुके हैं। तो बैंड्रा के अंदर मैंने बोला था मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो कुछ खाने पीने के सामान के लिए रुके हैं और यहाँ पे मेरे को काफ़ी कुछ स्ट्रीट फूड दिखा है देखने को। सो अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ। रगड़ा पेटीज है फिर अपने वहाँ पे, वो लोग होते हैं वहाँ, यहाँ पे रगड़ा पेटीज है अभी आपके पास है। सो ये है मेरा भाई हुसैन अली। भूख लग गई थी क्या हुसैन अली आपको? तो अभी हुसैन अली को कुछ खिलाते हैं ताकि हुसैन अली का पेट सही हो जाए बिल्कुल। क्या है भी आपने पास? डोसा? डोसा डोसा खाएगा क्या खाएगा बता? दही पूड़ी है क्या? दही पूड़ी क्या देख लेते हैं, दही पूड़ी है, दही पूड़ी भी है। हुसैन अली खाएगा दही पूड़ी और मैं खाऊंगा रगड़ा पेटी। इस टाइप का रहता है कुछ रगड़ा पेटी, ये रगड़ा है ना भैया? हाँ, ये होता है रगड़ा और ये गोलगप्पे इनको बोलते हैं पेटीज, और फिर इनको इस पानी के अंदर मिला के खिलाते हैं भाई लोग। कैसा लगता है भाई आपको रगड़ा पेटीज? अरे भाई हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हमें टेस्ट लेके खाने दो, हमको काहे को तंग कर रहे हो भाई? अरे वीडियो मत बनाओ, अरे खाने दो, क्या मस्त है। अभी हम लोग के लिए बन रही है रगड़ा पेटीज, अंकल बना रहे हैं यहाँ पे। हुसैन अली क्या खाओगे? दही पूड़ी खाओगे? खुश हो अभी? अभी बोर तो नहीं हो रहा है? चिल्ले इंजॉय कर रहा है रास्ते में फुल? ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी हम रगड़ा पेटीज खाते हैं, उसके बाद आगे जो भी रहता है तुम लोग को दिखाते हैं। रगड़ा पेटीज ये होता है, मैंने सोचा वो गोलगप्पे के अंदर वो रगड़ा डाल के वो खिलाते हैं। अच्छा वो रगड़ा पूरी हो गया क्या? हाँ नहीं तो नाम इनको पता नहीं है और आ जाते हैं फूड ब्लॉगर बनने। अच्छा अच्छा, तो गाइस रगड़ा पेटीज ये होता है, हमारा रगड़ा पेटीज बन के रेडी हो गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, रगड़ा पूरी तो मैं एक बार खा चुका हूँ पहले भी। सो अभी ये रगड़ा पेटीज गरम गरम बढ़िया रेडी हो चुका है, तो ये ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। गाइस हम हमारी रगड़ा पेटीज ट्राई करते हैं।
काफी टेस्टी है। गाइस हुसैन अली की दही पूड़ी भी रेडी हो चुकी है, कैसी लग रही है, मजे आ रहे हैं? हुसैन अली को दही पूड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अभी भाई बिल्कुल खुश है, बोरिंगनेस जो भी थी चलेगी, खा ले आराम से खा ले। रगड़ा मेडिस पसंद नहीं है, दही पूड़ी पसंद है भाई को। चलो भाई खाने दो, डिस्टर्ब मत करो हुसैन अली, खाओ खाओ। उसके बाद हम एक बार वो ट्राई करेंगे, रगड़ा पूड़ी भी ट्राई करेंगे हम, गोलअप पे जो होती है ये खत्म करते हैं पहले, मुझे वो ट्राई करते हैं, ये रगड़ा पूड़ी तो ये ट्राई करते हैं। जो अंदर की स्टफिंग रहती है ना वो गरम गरम रहती है इसके अंदर, और बाकी ठंडा ठंडा पानी रहता है, तो काफ़ी अमेजिंग है। ये भी ट्राई करना, आप मुंबई आओ तो मुंबई के स्ट्रीट फूड पे ये भी। तो इसको हमारा डन हो चुका है, तो अभी चलते हैं जल्दी, कोर्स काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमारी मैनेजर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। तो हुसैन भाई थोड़ा रगड़ा पेटी खाओ। अभी हम जल्दी चलते हैं, बैंड्रा पहुंच चुके हैं, लोकेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ 5-10 किलोमीटर दूर की है। सो अभी जल्दी जाते हैं और देखते हैं कैसा कुछ रहता है, जो भी रहता है बताते हैं आप लोग। Thousand years later. Alright guys, so अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे 501। सो ये लिफ्ट है यहाँ के, इसको हमने खोल दिया है, लिफ्ट को बंद कर दिया, पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ है। सो हेलो ब्रो, कैसे हो आप? हाय हाउ आर यू? हाय हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? हाय विनी, हाउ आर यू? तो ऑल सेट। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, आगे जो भी रहा तुम लोगों को दिखाते हैं। सो जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अ फ्यू इंचेस लेटर। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये सब प्रोडक्ट्स हैं आज इनके साथ हमें शूट करना है, सब कुर्ता वगैरह जो भी मैंने आपको बताया था। और ये है हमारी लोकेशन, ये है हमारा सेट, देख सकते हो आप सब। ऑलराइट गाइस, सो देख लीजिए आप, ये है हमारा आज का फ्रेम, ये सब सेटअप है पूरा पूरा, ये फ्रेम है, यहाँ पे मेरे को जो भी ड्रेसेस वगैरह पहन के शूट करना है। सो मैं शूट के लिए रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, ऑल सेट फॉर शूट। सो अभी ये है आउटफिट हमारी, और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक गए थे, तो अभी हमने रेड बुल मंगा के पिए हैं। सो अभी जो भी रहता है हम लोग को दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो शूट डन हो चुका है, इतना कुछ दिखाने को नहीं था जो मैं आपको दिखाता है, ठीक है। तो नॉर्मली शूट्स वगैरह हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लंबा चल गया, तो थक गए थोड़ा, पूरी तरीके से रेड बुल पीते हैं, थोड़ी थकान दूर करते हैं। सो अभी हम वापस निकलते हैं घर के लिए। अगर आप लोग को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आगे हमारे जो भी शूट्स वगैरह रहते हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँ। लाइक आप लोग को पता होगा कि व्लॉग के अंदर ये अलग कंटेंट है, बाकी सब व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं मेरे शूट्स के बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाऊंगा, जो भी मैं शूट्स करता हूँ, कहाँ करता हूँ, अमेज़न के लिए करता हूँ, किसी के लिए भी करता हूँ, तो कैसा रहता है, क्या कुछ रहता है, सेटअप वगैरह, सेट्स वगैरह। तो मैं वो अभी मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ, कोर्स काफ़ी लंबा शूट चल गया हमारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो सब दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो अभी हम चलते हैं जल्दी से, और आगे का जो भी सीन रहता है, कल का हमारा जहाँ भी शूट रहता है, आप लोगों को बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो वापस से ट्रैफिक हमें मिल चुका है, और अभी हम घर के लिए जा रहे हैं, और जुहू पे पहुंचे हैं अभी, और रास्ते के अंदर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और हमारे हुसैन अली भाई को लग गई भूख, क्योंकि शूट करते करते हमें बज गए, कितने क्या टाइम हो गया भाई, 12:09 हो चुके हैं। सो अभी चलते हैं, रास्ते के अंदर कुछ खाने के लिए मिलता तो कुछ खाते हैं, और ट्रैफिक तो आप लोग देख ही सकते हैं मुंबई का, कितना शानदार और प्यारा ट्रैफिक है मुंबई में। ऑलराइट गाइस, सो एक और सिग्नल आ गया, तो अभी हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, कि अभी हम जा रहे हैं लोखंड वाला जा रहे हैं बैक रोड, वहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं, या लोखंड वाला में देखते हैं कुछ खाने के लिए हमें मिलता है तो वहाँ जाते हैं। पहले हम डायरेक्ट सीधा घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते के अंदर हमें जुहू पे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला, ठीक है। तो खाने पीने के लिए हमें कुछ नहीं मिला बैंड्रा से वहाँ तक आने में, तो अभी हम जा रहे हैं बैक रोड, वहाँ पे देखते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह बता रहा है हुसैन अली। हुसैन अली, स्ट्रीट फूड अच्छा मिलता है क्या वहाँ का? टेस्ट नहीं किया तुमने, लेकिन कैसा होगा तुम बताओ, तुम्हारे अंदाजे से चले आज टेस्ट करें आज। तो चलो गाइस, आज चलते हैं हम आपको लोखंड वाला के बैक साइड, मतलब बैक रोड का दिखाते हैं, अच्छा सा स्ट्रीट फूड ट्राई कराते हैं, स्ट्रीट फूड अच्छा लगा तो ठीक है, वरना हम लोखंड वाला में ही कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है, देखते हैं जो भी रहता है जैसा भी रहता है आप लोगों को दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ गए हैं लोखंड वाला, और लोखंड वाला से मैकडॉनल्ड कुछ खा के आते हैं, ये हमारा
छोटा भाई हुसैन अली। हाय हुसैन अली, क्या खाएगा बाबू? तो हुसैन अली के साथ जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, कुछ खा के आते हैं हम दोनों भाई भाई, और देखते हैं क्या कुछ मिलता है मैकडोनल्ड्स पर। पूरी तरीके से थक गया हूँ गाइस, आज का शूट मतलब इतना ज़्यादा हार्ड हो गया ना, रेड बुल पी पी के पूरा शूट डन किया है, और अभी जैसा भी रहता है बताता हूँ आप लोग को। ओपन है क्या भैया? क्लोज हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। तो गाइस मैकडोनल्ड तो हो चुका है क्लोज, सो अभी हम चलते हैं कहीं और पे। क्या खाएगा हुसैन अली फिर? मैकडोनल्ड तो क्लोज हो गया भाई, फूड इन खुला है यहाँ पे, देख लेते हैं। अभी सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे भी यार, लोखंड वाला भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है पूरा, सो अभी देखते हैं क्या कुछ मिलता है। और भाई मैं तो बुरी तरीके से थका हुआ हूँ यार, क्या बताऊँ कितना टायर्ड लग रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। शोरमा कौन खाएगा? सो गाइस हुसैन अली ने शोरमा ऑर्डर किया है, सो और आज बहुत थक गया है मेरा भाई। क्यूट देख लो कितना है, क्यूटनेस देख सकते हो आप इसकी, देखो स्माइल कर दिखा हुसैन अली, ये देखो स्माइल देख रहे हो लौटे की। शोरमा पाऊँ यहाँ का बहुत टेस्टी है, रेडी हो गया। चलो लो भाई हुसैन अली, बढ़िया खुश हो अभी? चले चलो चलते हैं, बस बस खाओ अभी तुम, चलो गाड़ी गए अपनी वहाँ पे। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम और शोरमा पाव ले ली है, और आज का ब्लॉग हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यूर चैनल, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो क्या करो, जल्दी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहाँ पे न्यू न्यू अपडेट्स आती रहती हैं। तो हुसैन अली लगा तो नहीं भाई, सब बढ़िया एंजॉय, सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो अभी चलते हैं और देखते हैं जो भी रहता है। बाय बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।